राजस्थान के इतिहास में दुर्गादास राठौर एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उन्हें 17वीं सेंचुरी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौर वंश के शासन को अकेले संरक्षित रखने का श्रेय दिया जाता है। वे मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह की सेना के एक सेनापति अस्करण राठौर के पुत्र थे। घरेलू विवाद के कारण उनकी माँ अपने पति से अलग रहने लगी थी, जिसकी वजह से दुर्गादास एक छोटे से गांव में बड़े हुए। जब दुर्गादास युवा थे तब कुछ शाही ऊंट दुर्गादास के खेतों में घुस गए। जब दुर्गादास ने ऊंट की देखभाल कर रहे सैनिक से ऊंटों को हटाने को कहा तो उसने दुर्गादास की बात मानने से मना कर दिया। इसके बाद दुर्गादास ने अपनी तलवार निकाली और उसे मार डाला। जब यह बात मारवाड़ के शासक महाराज जसवंत सिंह तक पहुंची तो उन्होंने दुर्गादास को बुलाया और उससे पूछा कि उसने सैनिक को क्यों मारा। दुर्गादास ने बताया कि शाही ऊंट आम लोगों की फसलों को नष्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से महाराजा जसवंत सिंह की बदनामी हो रही थी, जिसने उसे सैनिक को मारने पर मजबूर कर दिया। महाराजा जसवंत सिंह दुर्गादास राठौर की होशियारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपनी सेना में नियुक्त कर लिया। दुर्गादास ने काफी सालों तक महाराजा जसवंत सिंह की सेवा कर उनका विश्वास जीत लिया और महाराजा के प्रमुख सेनापति बन गए। लेकिन 1769 में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई और उस समय उनका कोई वारिस भी नहीं था। हालांकि उनकी मृत्यु के समय उनकी दो पत्नियां गर्भवती थीं। इन परिस्थितियों ने मुगल बादशाह औरंगजेब को मारवाड़ में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। उसने मारवाड़ पर शासन करने के लिए अपनी कठपुतली इंद्र सिंह को नियुक्त किया। इस बात ने मारवाड़ के दरबारियों और सेनापतियों को नाराज कर दिया। इससे पहले कि औरंगजेब अपने प्लान को पूरा कर पाता, जसवंत सिंह की गर्भवती विधवा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अजीत सिंह रखा गया। इस उत्तराधिकारी के जन्म के बाद औरंगजेब के कहने पर दुर्गादास समेत मारवाड़ के प्रमुख दरबारी शिशु अजीत सिंह के साथ दिल्ली गए और औरंगजेब से मांग की कि शिशु अजीत सिंह को उसके दिवंगत पिता का राजपाट और उपाधि दी जाए। औरंगजेब ने इन शर्तों को मानने से पूरी तरह इनकार तो नहीं किया, लेकिन एक सुझाव दिया कि शिशु अजीत सिंह को उसकी सुरक्षा के लिए औरंगजेब के शाही हरम में पाला जाए। मारवाड़ी प्रतिनिधि मंडल को औरंगजेब की शर्तें स्वीकार्य नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने अजीत सिंह को दिल्ली से निकाल कर मारवाड़ वापस ले जाने का निश्चय किया। दुर्गादास राठौर जानते थे कि मुगल सेना उनका विरोध करेगी और बहुत सारे मारवाड़ी सैनिक इस प्रक्रिया में मारे जाएंगे। दुर्गादास राठौर, शिशु अजीत सिंह और 300 मारवाड़ी सैनिकों के साथ जैसे ही शहर से बाहर निकले, उन पर मुगल गार्ड्स ने हमला कर दिया। महाराजा अजीत सिंह की रक्षा के लिए मारवाड़ी सैनिकों ने दिल्ली से मारवाड़ के रास्ते में पूरा दिन मुगल सैनिकों से जबरदस्त लड़ाई की। सेनापति दुर्गादास राठौर के साथ जिन 300 सैनिकों ने सफर की शुरुआत की थी, उनमें से शाम तक सिर्फ 7 सैनिक जिंदा रह गए। शाम तक पीछा करते हुए मुगल सैनिक भी थक गए और उन्होंने लड़ाई बंद कर दी, जिसकी वजह से दुर्गादास राठौर, शिशु अजीत सिंह और बचे हुए 7 सैनिकों के साथ मारवाड़ पहुंचने में सफल रहे। बाद में अजीत सिंह को मारवाड़ के दक्षिणी किनारे पर एक दूरदराज के शहर अबू सिरोही के पास अरावली पहाड़ियों में छुपा दिया गया। वहां महाराजा अजीत सिंह गुमनामी में बड़े हुए। इसके बाद मुगलों की एक बड़ी सेना ने मारवाड़ पे कब्जा कर लिया। इस घटना के 20 साल बाद तक मारवाड़ मुगल गवर्नरों के सीधे शासन में रहा। इस अवधि के दौरान सेनापति दुर्गादास राठौर ने कब्जा करने वाली ताकतों के खिलाफ एक जबरदस्त संघर्ष शुरू किया। जल्द ही उन्होंने राजस्थान और गुजरात में स्थित विभिन्न मुगल खजाने को भी लूट लिया। इन हमलों ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाला। औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र अकबर था, जिसका नाम औरंगजेब ने अपने परदादा और ताकतवर मुगल बादशाह अकबर के नाम पर रखा था। 1681 में औरंगजेब के बेटे अकबर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और खुद राजपूतों के साथ गठबंधन कर लिया। दुर्गादास ने अकबर की सहायता की, लेकिन औरंगजेब ने इस विद्रोह को कुचल दिया, जिसके बाद अकबर को मराठा छत्रपति शंभाजी के यहाँ संरक्षण लेना पड़ा। सेनापति दुर्गादास राठौर ने अकबर की रक्षा का जिम्मा उठाया और उन्हें सुरक्षित रूप से मराठा साम्राज्य में ले आए।
अगले 7 साल तक दुर्गादास राठौर ने अकबर की रक्षा की और मराठा के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ युद्ध किया। 1687 में यह महसूस करते हुए कि वह कभी भी सम्राट नहीं बन पाएंगे, अकबर भारत छोड़ के मक्का चले गए। इसके बाद दुर्गादास राठौर भी मारवाड़ वापस आ गए। इस समय तक युवा अजीत सिंह अपने छुपने की जगह से बाहर आ गए थे, जिसके बाद मारवाड़ी सैनिकों ने उन्हें नया महाराजा घोषित कर दिया। वापसी के बाद सेनापति दुर्गादास राठौर ने मारवाड़ी सेना की कमान संभाली और मुगल सेना पर सीधा हमला करने लगे। अगले 5 साल तक वो संघर्ष करते रहे और उन्होंने मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से औरंगजेब उनके साथ शांति संधि करने पर मजबूर हो गए। महाराजा अजीत सिंह और सेनापति दुर्गादास राठौर भी शांति संधि के लिए तैयार हो गए, क्योंकि मारवाड़ी सैनिक भी पिछले 15 साल से लड़ते हुए थक चुके थे। भारत छोड़ने से पहले अकबर ने अपने बच्चों को दुर्गादास राठौर के संरक्षण में छोड़ दिया था और औरंगजेब उन्हें पाने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने दुर्गादास के साथ शांति संधि के साथ साथ इस मुद्दे पे भी बातचीत की। औरंगजेब ने शांति संधि के बाद 1694 में अपने पोती और 1698 में अपने पोते की कस्टडी हासिल कर ली। सेनापति दुर्गादास राठौर ने अकबर के बच्चों को इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से बड़ा किया था और उन्हें मदरसे में भी पढ़ाया था। यह जान के औरंगजेब बहुत खुश हुआ और उसने दुर्गादास के प्रति अपना आभार प्रकट किया। शांति संधि के अनुसार मारवाड़ के शहर मुगल सेना के अधीन रहेंगे और अजीत सिंह को मारवाड़ का जागीरदार और दुर्गादास राठौर को गुजरात का मनसबदार बना दिया जाएगा। दोनों ही साइड इस शांति संधि से खुश नहीं थे, जिस वजह से दोनों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे। इस तनाव और संधि की वजह से 1702 में औरंगजेब ने गुजरात के राजपाल को आदेश दिया कि वह दुर्गादास राठौर की हत्या करवा दे। दुर्गादास राठौर को इस बात का पता चल गया और वह मारवाड़ भाग गए, जहां उन्होंने एक बार फिर मुगल सेना के खिलाफ अपना संघर्ष शुरू किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके बेटों में युद्ध छिड़ गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए सेनापति दुर्गादास राठौर ने मुगल सेना पर जबरदस्त हमला किया और पहले जोधपुर और बाद में पूरे मारवाड़ को मुगल नियंत्रण से मुक्त करा लिया। इसके बाद जोधपुर में अजीत सिंह को मारवाड़ का महाराजा घोषित किया गया। महाराजा अजीत सिंह ने उन सभी मंदिरों को दोबारा बनवाया जिन्हें मुगल सैनिकों ने तोड़ दिया था। सेनापति दुर्गादास राठौर ने अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर महाराजा जसवंत सिंह को जो वादा किया था उसे पूरा किया। इसके बाद दुर्गादास राठौर ने जोधपुर छोड़ दिया और वह उज्जैन में महाकाल की पूजा करने के लिए चले गए। नवंबर 1718 में उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर दुर्गादास राठौर की 81 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। लाल पत्थर से बनी उनकी छतरी आज भी उज्जैन में है। अगस्त 2003 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में विभिन्न सिक्के और स्टैम्प्स जारी की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।